Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today we're going to describe lesson number 43 of English Ten Sentences which we're using in daily basis in our conversation. इन सेंटेंसेस के हवाले से जो आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस नीडेड है. उसके साथ साथ आप ट्राई करें इनको नेगेटिव बनाने की, इनको इंटरोगेटिव बनाने की और इनकी सिचुएशंस चेंज करने की. मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ हर पेज के ऊपर जो भी सेंटेंस मैं डिस्कस करूँगा उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँ और उसके साथ साथ उसमें जो वर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करूँ और साथ साथ आपको बताऊँ कि इसका टेंस कौन सा है और अगर आप इसको पास्ट में या फ्यूचर में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्लाइड नंबर वन. एंड द स्लाइड नंबर वन इज सेंटेंस नंबर वन, इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू. वो कहता है इट इज़ या इट्स, ये जो अपोस्ट्रॉफी है ना, अपोस्ट्रॉफी, इसके दो काम होते हैं. एक तो ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अलीज पेन या इट इज़ पेन ऑफ अली, दोनों का मीनिंग सेम है, ये अली का पेन है. इट्स अलीज पेन यानी अपोस्ट्रॉफी और एस, इसका पोजेशन में का के की मतलब होता है. और इसका जो दूसरा इस्तेमाल है जो इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वर्ड्स को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है. ये बेसिकली है इट इज़, ठीक है, इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू यू, ठीक है. लेकिन इट्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आई जो है उसको ये स्किप कर रहा है, उसको मिनिमाइज कर रहा है. सो इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू, इट इज़ ये है यूजलेस, बेकार, टू टॉक बात करना, टू यू आपसे, आपसे बात करना ही फजूल है या आपसे बात करना ही बेकार है. मिसाल के तौर पे आपको किसी का एटीट्यूड नहीं पसंद आया, आप उससे बात करते हैं वो आपकी बात नहीं मानता, तो आप कहते हैं इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू, आपसे बात करना ही फजूल है. ये प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर कर रहे हैं. यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे इज इस्तेमाल हुआ है और जो टू टॉक है ये यहाँ पे इन्फिनेटिव के तौर पे है, ठीक है जी. सेंटेंस नंबर टू की तरफ चलते हैं. सेंटेंस नंबर टू कहता है आई हैव समथिंग टू टेल यू, आई हैव समथिंग टू टेल यू, आई हैव. अब हैव यहाँ पे क्या चीज़ है, मेन वर्ब है. समथिंग टू टेल, टू टेल यहाँ पे इन्फिनेटिव है. आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है. आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है. अब यहाँ पे आप देखें ये मेन वर्ब के तौर पे है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है. अब ये भी प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर कर रहा है. अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, आई डो नॉट हैव, आई डो नॉट हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, या मेरे पास आपको बताने के लिए कोई बात नहीं है. अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हैव है और हमने डो नॉट इस्तेमाल क्यों किया है. तो यहाँ पे हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है. सो वी विल से आई डो नॉट हैव समथिंग टू टेल यू, डू आई हैव समथिंग टू टेल यू, क्या मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है. प्रेजेंट सिचुएशन को ये भी जाहिर करता है. सेंटेंस नंबर थ्री की तरफ जाते हैं. कहता है आई वुड लाइक टू बाय अ पेन, आई वुड लाइक टू, मैं पसंद करूँगा टू बाई अ पेन, एक पेन ख़रीदना, मैं एक पेन ख़रीदना पसंद करूँगा. शुड, वुड और कुड जो है उनके डिफिनेशन्स डिफरेंट हैं, इसलिए ये आपकी ख्वाहिश के बारे में बात की जा रही है. आई वुड लाइक टू बाई अ पेन, मैं एक पेन ख़रीदना पसंद करूँगा. अच्छा, इसकी जगह अगर आप कोई और चीज़ है, सेल फोन कर लें, कार कर लें, बुक कर लें, ठीक है, पेंसिल कर लें, वट एवर यू लाइक, जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं. मिसाल के तौर पर आप किसी शॉप पर जाते हैं और शॉप वाला आपसे कहता है सर वट वुड यू लाइक टू टेक या वट वुड यू लाइक टू बाय, आप क्या ख़रीदना पसंद करेंगे, तो यू कैन से आई वुड लाइक टू बाय अ मार्कर या आई वुड लाइक टू बाय अ पेन और आई वुड लाइक टू बाय अ सेल फोन. सेंटेंस नंबर फोर की अगर बात करें तो सेंटेंस नंबर फोर कहता है हाउ लॉन्ग, कितने अरसे से डू यू हैव टू वेट फॉर द ट्रेन, कितने अरसे से आपको ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा, ठीक है. हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वेट फॉर द ट्रेन, आपको कितने अरसे से ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा. अब देखें हाउ लॉन्ग जो है इसको अगर हम ख़त्म कर दें, ठीक है, यहाँ पे डू यू हैव टू वेट फॉर द ट्रेन, क्या आपको ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा. अब हाउ लॉन्ग, कितने अरसे से, यानी कितनी देर से या कितने अरसे से, कितने वक्त से, हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वेट फॉर द ट्रेन, आपको ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ा. सेंटेंस नंबर फाइव की अगर बात करें तो सेंटेंस नंबर फाइव कहता है आई एम गोइंग टू लाहौर टू सी माई अंकल. अब यहाँ पे माए की जगह ये सॉरी मुँह लिखा गया, आई एम सॉरी, चलें इसको हम माए कर देते हैं जी. आई एम गोइंग टू लाहौर, अब यहाँ तक एक सिचुएशन है, टू सी माई अंकल ये दूसरी सिचुएशन है, ठीक है. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ टू लाहौर, टू क्या है,
ये बेसिकली प्रपोजिशन है और ये यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रही है कि बंदा किधर जा रहा है, लाहौर जा रहा है। आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जा रहा हूँ टू सी माई अंकल, अपने अंकल को मिलने, मैं अपने अंकल को मिलने लाहौर जा रहा हूँ। अब एम है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, इज़ एम आर प्रेजेंट का, ठीक है, गोइन गो है और उसके बाद इंग है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, साथ में आईएनजी लगा हुआ है। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ टू लाहौर, लाहौर टू सी माई अंकल, मैं अपने अंकल को मिलने लाहौर जा रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस बनेगा। यहाँ पर अगर आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करके यहाँ पर वॉज लगा दें, ठीक है, आई वॉज गोइंग टू लाहौर टू सी माई अंकल, तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस बन जाएगा। इसी तरह आई विल बी गोइंग टू लाहौर टू सी माई अंकल, मैं लाहौर अपने अंकल को मिलने जा रहा हूँगा, तो ये फ्यूचर में बन जाएगा। सेंटेंस नंबर सिक्स की अगर बात करें तो कहता है जी आई हैव पास्ड टाइम माई टाइम हैप्पीली, मैंने अपना वक्त खुशी से गुजारा है। अब यहाँ पर हैव जो है, अब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है, पास्ट जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेरा वक्त हैप्पीली खुशी से, ठीक है, मैंने अपना वक्त खुशी से गुजारा है, मैं अपना वक्त खुशी से गुजार चुका हूँ या मैंने अपना वक्त खुशी से गुजार लिया है, तीनों जो हैं ये डिस्क्राइब करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सिचुएशन को, ठीक है। ये प्रेजेंट का हैज़ और हैव प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, थर्ड फॉर्म जहाँ पर आ जाएगी इसका मतलब परफेक्ट की बात हो रही है और ये इस वक्त क्योंकि हैव है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव की जगह अगर हम हैड कर देते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और अगर आई विल हैव पास्ट माई टाइम हैप्पीली कर देते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर सेवन की अगर बात करें, इसमें भी दो सेंटेंसेस को डिस्कस किया गया, पहला यहाँ तक है, प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहा है, गो एंड सी, जाओ और देखो, व्हाट आर दे डूइंग, ये यहाँ पर दूसरा है। अब यहाँ पर आर दे डूइंग, क्या वो कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, जाओ और देखो वो क्या कर रही हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन जो है, गो एंड सी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की बात। तो अगर आपने इसको चेंज करना है, गो एंड सी, जाओ एंड देखे देखो, व्हाट वर दे डूइंग, वो क्या कर रहे थे, ओके, फिर भी आप यहाँ पर सिर्फ इसको वर लगाएंगे, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस में चला जाएगा। और अगर आप इस पे विल भी लगा देंगे, व्हाट विल दे बी डूइंग, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में चला जाएगा। सेंटेंस नंबर एट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपकी उसके बारे में आपने किसी से कोई राय तलब की है, विच बुक, कौन सी बुक शुड आई बाय, मुझे कौन सी किताब ख़रीदनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया, आई वुड लाइक टू बाय अ पेन और ही शुड लाइक टू बाय समथिंग लाइक दिस। अगर आप किसी शॉप पे हैं तो आप पूछ रहे हैं विच बुक शुड आई बाय, मुझे कौन सी किताब ख़रीदनी चाहिए, तो वो आपको बता देगा शॉपकीपर के यू शुड बाय दिस और दैट, आप ये या वो जो भी बुक है आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर नाइन की अगर बात करें तो ये प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर करता है, व्हाई आर यू सो साइलेंट। अब यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, व्हाई आर यू सो साइलेंट, आप इतने खामोश क्यों हैं। अब ये हैं की बात है, ये प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये जो है ये अब इंडेफिनिट को जाहिर नहीं करता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह नहीं है, व्हाई आर यू साइलेंट, आप खामोश क्यों हैं, तो ये प्रेजेंट की कंडीशन जाहिर कर रहा है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सेंटेंस नंबर टेन की अगर बात करें, लास्ट वन, तो इसमें भी वो वुड और शुड के हवाले से है, वुड यू लाइक सम मोर कॉफ़ी, क्या आप थोड़ी और कॉफ़ी लेना चाहोगे या पसंद करोगे, वुड यू लाइक, क्या आप चाहोगे, सम मोर कॉफ़ी, क्या आपको और ज़्यादा कॉफ़ी चाहिए, क्या आप और ज़्यादा कॉफ़ी लेना चाहेंगे, क्या आप थोड़ी और कॉफ़ी पसंद करेंगे, ये इसके मीनिंग्स भी आ सकता है, वुड यू लाइक सम मोर टी, वुड यू लाइक सम मोर जूस, और वुड यू लाइक सम मोर मनी, आपको कुछ और रकम चाहिए, कुछ और जूस चाहिए, कुछ और मिल्क चाहिए, कुछ और चाय चाहिए या कुछ और कॉफ़ी चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन, सो इंशाल्लाह सी यू टुमारो विद अनदर सीरीज ऑफ 10 न्यू सेंटेंसेस फॉर यू विच यू कैन यूज़ इन योर डेली लाइफ कन्वर्सेशन। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह, टेक केयर, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सबमिट योर यू नो असाइनमेंट्स इन द ग्रुप, इन द व्हाट्सएप ग्रुप, एंड एज यू नो कि आई हैव लेफ्ट माई कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल एज अ ग्रुप लिंक फॉर बॉयज और फॉर व्हाट्सएप ना, आप व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी डेली बेसिस पे अपनी जो असाइनमेंट है वो सेंड कर सकते हैं, और जहाँ पे एवेल्यूशन की ज़रूरत होगी आई विल इंशाल्लाह। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।